डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्यों होता है? कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करने में। अब जैसे तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, तुम उसका जीरो निकालने में लगी पड़ी है, लेकिन पता चला उसका जीरो पॉसिबल ही नहीं है। अभी के बाद बस टेंथ के टर्म में जानो कि उसका जीरो तुमसे निकल ही नहीं रहा। बहुत ऐसा तुम क्वेश्चन बनाई होगी जहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करती थी, याद है? यस सर। तो स्प्लिट ही नहीं हो पाता था, कितना भी कोशिश कर ली है स्प्लिट ही नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज को ये डी है आसानी से बताएगा। क्यों? जैसे ही डी का तुम्हारा वैल्यू लेस देन जीरो आ गया, ठीक है, जैसे ही तुम देखी डी निकाली, डी का वैल्यू लेस देन जीरो आया, तो बोल देगी कि इसका जीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो यही सब यूज होता है आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मेनली इसका यूज किया जाता है। बाकी आगे की क्लास में और भी डिटेल्स के बारे में, इसके बारे में जानना है, ठीक है। जब लेस देन जीरो होता है तो रियल, जैसे यहाँ पे रियल रूट मिलेगा, यहाँ पे रियल, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे रियल रूट नहीं मिलता है, इमेजनरी रूट मिलता है। तो इमेजनरी रूट क्या होता है, वो सब आगे जा करके तुमको सीखना है। लेकिन कोई भी एक बड़ा सा इक्वेशन है जिसको हम पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाना, लग रहा है होगा नहीं होगा, तो उसको आसान करने के लिए डी निकल करके आया है। तो डी का ये तीन वैल्यू पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ होता है ना क्वाड्रेटिक का, डी पे डिपेंड करता है एंड ए पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डी पे एंड ए पे डिपेंड करता है। तो केस वन लिखते चलो, ये सब भी तुम्हारा आ जाएगा क्वेश्चन कि इक्वेशन दिया हुआ है, बोलेगा इसका ग्राफ के बारे में बताओ। तो जैसे केस वन, अगर अगर डी ग्रेटर देन जीरो आया एंड ए भी ग्रेटर देन जीरो आया, डी ग्रेटर देन जीरो आया और ए भी ग्रेटर देन जीरो आया, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, ठीक है, और इस एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। कितने जगह पे? दो जगह पे। किस केस में? जब डी ग्रेटर देन जीरो हो और ए भी क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। ए तो ग्रेटर देन जीरो डायरेक्टली दिख जाएगा इक्वेशन से ही, दिख जाएगा ना? यस सर। ठीक है, तो जब डी ग्रेटर देन जीरो हो और ए भी ग्रेटर देन जीरो हो तो ग्राफ कैसा होगा? तो ओपनिंग अपवर्ड्स एंड क्या, कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे कट किया और यहाँ पे टू है और यहाँ पे फोर है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो क्या क्या हो जाएगा? एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फोर। एक्स माइनस टू, और हम डायरेक्टली जीरो पूछे तो टू एंड फोर बोलने का, रूट टू एंड फोर, टू एंड फोर हो जाएगा। ठीक है, केस वन समझ में आया सबको? यस सर। केस टू, अभी हर हर एक केस में ए को हम ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो, लेकिन सर मेरे को केस वन नहीं समझ आया। क्या नहीं आया समझ में बोलो? जब वापस वो बी ग्रेटर देन, तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है ठीक से, फिर से बोलो पूरा स्टार्ट। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो ए, वो नहीं समझ डी पता चला क्या होता है? हाँ वो पर देख लिया था। तो डी निकाल लेगी तुम, जैसे कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है उसका डी निकाल लेगी। यस सर। और ए ग्रेटर देन है कि स्मॉलर देन जीरो नहीं दिखेगा? जैसे यहाँ पे तुमको इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है इस इक्वेशन? बताने दो उसको, बताने दो, ए का वैल्यू इस इक्वेशन में कितना है? ए का वैल्यू वन, वन है ना, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है तो वन है। तो ए वन है तो ए ग्रेटर देन जीरो हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, ए भी ग्रेटर देन जीरो और तुम डी निकाल ली, जैसे इस केस में डी कितना आया था? 36 आया? यस सर। तो डी 36 आया, तो डी भी ग्रेटर देन जीरो हुआ और ए भी ग्रेटर देन जीरो हुआ। यस सर। तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक ओपनिंग अपवर्ड्स। आया समझ में? यस सर। ये भी लिख दीजिए ना नीचे। क्या? तो ये भी लिख दीजिए ना नाम नीचे, सुना नहीं था पहले। क्या लिख दें? अरे ओपनिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर खुला हुआ। ये मतलब कि नोट्स अभी बनाएंगे तो आवाज ठीक करो, बहुत धीरे आ रहा है तुम्हारा आवाज। हेलो सर, आ रहा है आवाज? हाँ बोलो। सर वही बोल रहे थे, अभी नोट्स बनाएंगे तो लिख लेंगे, इसलिए लिख दीजिए यहाँ पे पीडीएफ। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? ओपनिंग अपवर्ड्स एंड कट
x एक्सिस एट 2 points. ठीक है, उसी तरीके से अभी हम तीन केस ले रहे हैं जिसमें तीनों में a जीरो है, तो a जीरो हो गया लेकिन d इक्वल्स टू जीरो हो गया, d जीरो आ गया एग्जैक्टली. तो इस केस में अभी भी ओपनिंग अपवर्ड्स रहेगा लेकिन x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करते हुए क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा. ठीक है, आया समझ में? जब d जीरो के बराबर हो और a ग्रेटर देन जीरो हो तो अभी भी ओपनिंग अपवर्ड रहेगा लेकिन x एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब एक पॉइंट पे टच करते हुए क्या हो जाएगा, ऊपर भाग जाएगा. क्लियर हुआ सबको? यस सर. चलो बढ़िया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जीरोस जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना. क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली बात है दो जीरोस आएगा लेकिन एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी दोनों जीरोस क्या आएगा, इक्वल आएगा. ठीक है, केस थर्ड. सर ये तो ये परफेक्ट स्क्वायर के केस में होता है क्या? क्या सर ये वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर के केस में होता है? बताओ तुम ही, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कुछ अगर रहा तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सोचो. जैसे कोई एग्जांपल देखो, बताओ तो. ठीक है कोई बात नहीं, कोई एक इक्वेशन सोचो जिसमें दो इक्वल जीरोस तुमको दिख रहा हो. इक्वल जीरो तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में ही आएगा. हाँ, और कोई केस में पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं है ना. देख लो कोई भी एक जनरल एग्जांपल, सबको उठा के देखो कि डी इसमें जीरो के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चेक करो एक बार. देख दो एग्जांपल, समझ में आ जाएगा वहां से. दे दीजिए. चलो उसको चेक कर लेना कि वहां पे परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं, वहां पे चेक करके बता लेना. रुको दे रहे हैं, एक दो एग्जांपल देते हैं. जैसे कोई एग्जांपल बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये तो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर में जाएगा नहीं कि जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा ना. एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू दो अलग अलग आएगा, प्लस टू माइनस टू दो अलग अलग जीरो. अच्छा जैसे ये देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फोर एक्स स्क्वायर अगर माइनस, देख लेते हैं ना, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस वन ले लो और एक ले लो फोर एक्स स्क्वायर, इस केस में क्या आएगा डी देखो तो. डी कितना आ रहा है इसमें? जीरो. जीरो आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. देखो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? यस सर, है ना सर, 2x माइनस 1 का, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर जाएगा. क्लियर? अब जैसे एक अगर हम यहाँ पे प्लस कर दे तब d निकालो तो क्या आता है? तब पर भी 0 ही आएगा, तब 2x प्लस 0 आएगा सर. तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर. लेकिन जो अभी जैसे ही एक क्वेश्चन अभी हम बनाए जिसमें d इक्वल्स टू d ग्रेटर देन 0 आया था, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 नहीं, नहीं है ना. नो सर. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हारा इक्वल जीरोस आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या रहेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर जाएगा. ठीक है, केस दोनों आया समझ में? थर्ड केस सर, दो केस हो गया, d इक्वल्स टू जीरो, a ग्रेटर देन जीरो. अब
डी अगर लेस देन जीरो हो जाए और ए अभी भी ग्रेटर देन जीरो इक्वल ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ कुछ ऐसा निकलेगा बिना कहीं पे कट किए हुए। तो इस केस में जीरो दिख रहा है क्या एक भी, एक्स पे कट ही नहीं कर रहा है तो जीरो है क्या? नो सर नहीं है। नो सर यहाँ पे जीरो नहीं होगा। केस थर्ड हो गया। अब केस फोर, केस फोर, अब हर एक केस में ए को लेस देन जीरो ले ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ए को लेस देन जीरो ले लेते हैं। तो जैसे ही ए लेस देन जीरो जाएगा तो तुम्हारा ग्राफ जो ओपनिंग अपवर्ड था वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। और डी का यहाँ पे भी तीन कंडीशन, तो अगर ए लेस देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है, ए लेस देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो, तो इस केस में भी ओपनिंग डाउनवर्ड होगा लेकिन टू डिफरेंट जीरोस पॉसिबल होंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, केस फाइव में क्या पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटीज है? यहां से भी ए लेस देन जीरो कर लेते हैं लेकिन डी इक्वल टू जीरो कर ले तो फिर से ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, केस सिक्स आखिरी, ए भी लेस, ए लेस देन जीरो और डी भी लेस देन जीरो, तो ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। आया छह के समझ में आया? यस यस। ठीक है, तो किस किस केस में जीरोस नहीं पॉसिबल है? केस सिक्स में जीरोस नहीं निकलेगा और केस थ्री में जीरो नहीं निकलेगा। कैसा जीरोस होगा? इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स वगैरह पढ़ना होगा, मतलब उसके जीरो पॉसिबल नहीं है। अगर डी लेस देन जीरो हो जाएगा तो उसके जीरोस पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। ग्राफ समझ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, तो अभी डिस्क्रिमिनेंट पे बहुत डिटेल्स में जानेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अभी बस इतना जान लो डी क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। और एक चीज याद रखना, ए बी और सी का वैल्यू तुम हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल इक्वेशन से रिलेट करके करना। यहाँ पे देखो हमेशा प्लस साइन रहेगा बीच में, ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं कर लेना। तो ग्राफ अब बन जाएगा, अगर आता है तो ग्राफ आएगा नहीं, ग्राफ यहाँ पे आएगा नहीं तुमको कि ग्राफ बना करके दिखाओ, बट बस ध्यान में होना चाहिए कि कैसा ग्राफ होता है, तो पैराबोलिक फॉर्म में रहता है, इतना ध्यान में रखना। कब ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, कब ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, ये सब चीज अच्छे से समझ गए। ओपनिंग अपवर्ड्स कब कब रहेगा? जब जब ए ग्रेटर देन जीरो जीरो होगा। और ओपनिंग डाउनवर्ड कब कब होगा? जब जब ए लेस देन जीरो होगा। बाकी कब कट करेगा, कब टच करेगा, कब बिना ऐसे ही बिना टच या बिना कट के निकल जाएगा, वो सब समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। खत्म करना है ये चैप्टर, दो तीन, कल भी क्लास है और परसों भी है ना, तो दो तीन में खत्म कर लेना हो, क्योंकि हम फिर एटलीस्ट दो मई तक क्लासेस नहीं ले पाएंगे। तुम चाह रहे हैं एटलीस्ट दो चैप्टर तुम लोग का निकल जाए। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, जीरोज एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉली नॉमिल्स। याद है किसी को क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिख लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिख लो। लिख लिया? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लिया, तो रिलेशनशिप के बारे में इसमें देख लेते क्या क्या पॉसिबल है। सर। हाँ बोलो। सर ये अपलोड कब होगा वीडियो? आज कर देंगे, क्यों क्या हुआ नहीं आ रहा समझ में?
ना सर, वो हम कहीं जा रहे, इसीलिए। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी लोग को आ रहा है समझ में? अभी तक कहीं डाउट है तो पूछ लो एक बार, क्योंकि अब जो हम लोग शुरू करेंगे वहां से तुम्हारा बोर्ड में क्वेश्चन वगैरह आना शुरू हो जाएगा। बोर्ड दे दो या एनटीएससी कोई भी एग्जाम दो, यहीं से मेनली क्वेश्चन अब आना शुरू करेगा। तो इसके पहले किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछो, पूछ लो पूछ लो। आयुष, दिव्यांगी, आयुष दिव्यांगी, जूही, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना, जूही नहीं है, श्रेया, नो सर, इसी में डाउट है जो बढ़ाने वाले, देख लेना अगर डाउट हुआ तो बताना। उज्जवल एंड वैष्णवी, नो सर डाउट नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक, यहां पे ऐड कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल है, कितने जीरोस हैं? दो। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का दो जीरो पॉसिबल होगा, किसका, ये वाला किसका है? ठीक है, तो हमको उसका कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट और उसके जीरो के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर। तो इसके दो जीरोस पॉसिबल है, लेट से अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो जब हम इन दोनों जीरोस को ऐड करें, जब हम इन दोनों जीरोस को ऐड करेंगे तो ये हमेशा क्या मिलेगा, माइनस बी बाय ए के बराबर। माइनस बी बाय ए कहने का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए, क्या है हमेशा ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जब हम दो जीरो को ऐड करेंगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर हमेशा मिलेगा। और दो जीरो का प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाय पे सी क्या होता है तुम्हारा, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दोनों जीरो को ऐड करेंगे तो माइनस बी बाय ए मिलेगा, और दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाय ए मिलेगा। एक चीज और तुम लोग को हम नेक्स्ट कभी, जैसे वो चीज ऑल्दो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना होता है, बट हम तुमको चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में वो चीज थोड़ा सा दिमाग में डाल दे, मतलब तुमको इक्वेशन देख करके बताना है, इक्वेशन देख के, जैसे हम तुमको एक इक्वेशन लिख दे और देखते ही बताना होगा कि जो इसका जीरोस आएगा उसका साइन सेम होगा या डिफरेंट होगा। साइन सेम या डिफरेंट होने का मतलब दोनों जीरो पॉजिटिव होगा या एक पॉजिटिव में रहेगा एक नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, किसी को आता है ये चीज? इक्वेशन देखते ही बताना कि इसका जीरोस कैसा रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेगा या एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। अगर नहीं ध्यान में है तो एक बार देख करके आना, वो चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ाते हैं बट यहाँ पे भी बता देंगे ताकि आगे चलकर तुमको याद रहे वो सब चीज। ठीक है, क्लियर। तो हम कल परसों में वो एक टेबल होता है वो लिखवा देंगे, उसको ध्यान में रखना, मतलब इक्वेशन देखते ही तुमको बताना होगा कि दोनों जीरोस पॉजिटिव साइन होंगे या दोनों जीरोस का नेगेटिव साइन होगा, मतलब सेम साइन होगा या दोनों जीरो का डिफरेंट साइन होगा। तो वो डिपेंड करता है ए बी और सी पे, सब कुछ डिपेंड करता है, तो वो सब हम बता देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये था रिलेशनशिप। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे तुमको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ था, वहां से तुम जीरो निकाल करके उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे थे, लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा जब तुमको दोनों जीरोस दिया रहेगा, ध्यान से सुनना, जब तुमको दोनों जीरोस दिया रहेगा और वहां से तुमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकाल के दिखाना है। जीरोस दिया रहेगा तुमको पॉलीनोमियल निकाल के दिखाना है। तो जैसे इफ अल्फा एंड बीटा, बताओ जी फॉर्मूला,
कोई पढ़ के आया है सर? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा प्लस, हर जगह प्लस या माइनस? सर यहाँ माइनस रहेगा, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, ठीक है सर? ये जैसे, तो वो वाला प्रॉपर्टी के जैसे लग रहा है। कौन वाला? एक्स प्लस ए इनटू एक्स प्लस बी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। पक्का? यस सर ऐसा ही था उसका। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहीं से तो आता है, उसी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलता है x प्लस ए एंड x प्लस बी से ही, ठीक है? बट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, जब दो जीरोस तुमको पहले से गिवन है और वहां से तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, उल्टा काम हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होल मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट टर्म के, ठीक है? तो यहाँ पे लाइन लिख लो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन कराएंगे इस पे अभी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, then the polynomial fx is given by fx equals to x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta, और इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है? ध्यान में रखना, और होल मल्टीप्लाइड बाय के फॉर सम कांस्टेंट टर्म। आया समझ में? देखो हमेशा ये साइन अल्टरनेट चलाना आयुष, ध्यान में रखना, ठीक है? ये जो साइन है ना हमेशा अल्टरनेट रहेगा, क्लियर? गलती नहीं करना अगली बार से। तो अब क्वेश्चन कुछ दे दे इस पे, बहुत देखो आसान है ये चैप्टर, कुछ एकदम इसमें वास्ट हार्ड लगने लायक कुछ ऐसा कुछ है नहीं सिंह, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन देते बनाते चलो उसको, या क्यूबिक पॉलिनोमियल का लिखवा ही दे पूरा नोट्स, जैसा बोलो। क्वेश्चन दे दे, सब क्वेश्चन दे दीजिए, क्वेश्चन दे दे, अभी से बस थियरी चल रहा है इतने देर से, है ना? सुन सुन के तो और कान पक गया लगता है, बके जा रहे हैं सर, बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं। चलो ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुछ कुछ पॉलिनोमियल दे रहे हैं उसका जीरो और वो सब वेरीफाई कर, एक एक को हम अच्छे से लिख के दिखा देंगे तुमको, मतलब अच्छे से लिख के दिखा देने का मतलब प्रॉपरली एग्जाम में वहाँ पे शो करना होगा, ये नहीं कि ऐसे ही फाकी मार के दिखा के आगे। जैसे तुमको हम क्वेश्चन दिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, और बोले इसका जीरोज निकालो और उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, तो हम एक क्वेश्चन अच्छे से डिटेल्स में लिख दे क्या किस तरीके से तुमको शो करना है एग्जाम में। यस सर। तभी तो नो सर बोल दो, नहीं बोलना है ना। तो चलो देखो, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ब्रेक करे कितने में हो जाएगा? यहाँ पे आठ है, यहाँ पे माइनस टू एक्स है, तो कितना चला जाएगा जी? प्लस फोर एक्स, नहीं 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 प्लस फोर एक्स नहीं होगा, माइनस फोर एक्स होगा ना, माइनस फोर होगा और फिर प्लस टू, हाँ माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। देखो ये चीज हम पहले भी बताए थे, ये जो जब भी तुम्हें स्प्लिट करना है यहाँ पे, जब भी जो भी चीज स्प्लिट करना तो एक बार उसको रिचेक कर लेना। जैसे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट लेते तो भी एक चीज तो सर्टिफाइड था कि अल्फा इंटू बीटा माइनस एट मिलता, सॉरी दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन माइनस एट मिलता। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे प्लस फोर एक्स करेंगे और माइनस टू एक्स करेंगे तो हमको पॉलिनोमियल क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स मिल जाएगा ना, समझ रहे हो बात को?
तो इस चीज से बचने के लिए बस एक सेकेंड का यहाँ पे काम है कि इस चीज को वेरीफाई कर लेना कि हम जो स्प्लिट किए हैं उसको फिर से एक बार सॉल्व करके देखें तो वापस हम इस जगह पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। वो एक सेकेंड समय लेगा, एक सेकेंड दोगे तो एक ऋषि एटलीस्ट इतना तो फिक्स हो जाएगा ना कि हाँ भैया हम सही उसको स्प्लिट किए हैं। अगर पहला ही स्प्लिट ही गलत हो जाएगा तो फिर आगे का सारा स्टेप ही गलत हो जाएगा। जैसे हम प्लस 4x लिख रहे थे तो वहां पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता। समझ में आया? तो एक सेकेंड का समय लगेगा उस चीज को एक बार वेरीफाई कर लेना। अगर कॉन्फिडेंस है, अगर सही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन ले ले तो x माइनस 4, तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 4। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, क्लियर। तो अब इसका जीरोज देखो, एक चीज और, ये पॉलिनोमियल था ना, ये एफ एक्स इक्वल टू ये पॉलिनोमियल था, हमको क्या करना है इसका जीरोज निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिखेंगे। क्लियर, समझ रहे हो सब कोई? हमको उसका क्या करना है, जीरो निकाल के दिखाना है। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिख लेना, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर लो, एक अच्छे से लिखवा रहे हैं तो एक अच्छे से लिख ही लो। इस स्टेप के पहले क्या लिख लेना, एफ एक्स इक्वल्स टू, रुक जाओ, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो एफ एक्स हमारा ये हो गया इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, ऐसा कुछ लिखते चलना और इधर अपना ये साइन डालते जाना। ठीक है, देखो ये सब उतना मैटर, मतलब अगर एक अच्छा टीचर आ गया ना तो ये सब चीज पे भी देखेगा वो। ये साइन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इम्प्लाइज दैट का साइन। जब भी तुम अलजेब्रा के क्वेश्चन बनाओगे ना, कहीं भी देखना इम्प्लाइज दैट का साइन दिखेगा ही दिखेगा। तो ये सब जब सब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तो उस सब चीज में ये सब काम करता है। ऑब्जेक्टिव में तो आंसर बस चाहिए होता है, तो ये सब चीज छोटा छोटा चीजें मैटर करेगा। तो यहाँ से तुम्हारा जीरोस क्या क्या आ गया, एक्स प्लस टू एक हो जाएगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो x का दो वैल्यू आ गया ना, क्या क्या आ गया, माइनस टू और x इक्वल टू जीरो, फोर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ये सब तो अब बस आसान सा काम था। अब देखो तुमको क्या करना है, बस एक क्वेश्चन अच्छे से लिख दे रहे हैं, आता तुम लोग को भी होगा ये। अब क्या करना है, नौ सम ऑफ जीरो निकाल लेना, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस फोर विच इज इक्वल टू कितना, टू। एंड अपना जिसे वेरीफाई करना है, एंड क्या तुमको वेरीफाई किसे करना है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाय ए, दैट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस होता है, हाँ माइनस, सॉरी माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना था, माइनस टू था, तो माइनस ऑफ माइनस टू डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वन है। तो ये कितना मिल गया, टू के बराबर। तो देखो सम ऑफ जीरोस और ये पूरा सेम आ गया ना, तो इसलिए सम ऑफ जीरोस इतना लिखना पड़ता है इसलिए हम बता रहे हैं, इक्वल्स टू कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेना, एंड करके फिर उसके अकॉर्डिंग अपना देख लेना। आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो ये बस हम लिखने का तरीका बता रहे थे कि ताकि तुम इतना डिटेल्स में लिखोगे तो 2 से 3 नंबर तुमको मिल जाएगा एग्जाम में। आगे बढ़े, तो अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन दे रहे हो उसको फटाफट वेरीफाई कर लो। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स रूट अंडर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सेवन रूट थ्री
करो, इन दोनों को निकालो, जीरोज और रिलेशनशिप वेरीफाई करके देखो पॉसिबल है या नहीं है। एक और लिख लो, 7y² - 11/3y - 2/3 निकालो तीनों का। यहाँ पे टाइप वन लिख लेना क्वेश्चन में, इस चैप्टर का हम टाइप वन बता रहे हैं। क्या क्या किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा वो हम बताते चल रहे। तो ऑन वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, टाइप वन करके लिख लेना। फिर टाइप टू टाइप थ्री हम टाइप टाइप करके ही सारे चैप्टर को पढ़ाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे आसानी होगा तुम लोग को भी समझने में, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर का टाइप वन क्वेश्चन में थे। इससे पहले जीरोस वेरीफाई करने और वैल्यू निकालने वाला आएगा, वो सब बच्चा वाला चीज था, इसलिए उधर हम डिटेल्स में डिस्कशन नहीं किए थे। चलो बनाओ इसको, हो जाएगा तो बता देना, ऑल्दो हो जाना चाहिए सबसे, गलती नहीं होना चाहिए। सर फर्स्ट का वैल्यू आ गया, फर्स्ट का जीरो आ गया। क्या जीरो आ रहा है? -1/3 और 3/2। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई करके देखो, अगर दोनों का सम -b/a के बराबर आ रहा है तो तुम्हारा जीरो सही है, अगर दोनों का सम -b/a के बराबर नहीं आ रहा है तो तुम गलत बनाइए। कितना आ रहा है माइनस, कितना कितना आया था? माइनस 1/3 और 3/2 आ रहा है। आवाज तुम ठीक करो अपना श्रेया, क्या कर रही है, क्या चीज से तुम बोल रही है? -1/3 और 3/2 तो देखो दोनों को ऐड करके -1/3 या इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -1/2 3/6 दैट इज 1/2, लेकिन अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो तुम गलत निकाल रखी है लगता है। अच्छा नहीं, c तुम्हारा 3 है ना, हाँ इसको अरेंज कर लेना पहले, सॉरी यस सर, पहले अरेंज, हाँ इसको अरेंज कर लेना, तो 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यानी तुम्हारा 0 क्या है, सही है। नेक्स्ट बनाओ, वेरीफाई करो, खुद करो, मेरे से मत वेरीफाई करवाओ, देख लेना बस प्रोडक्ट और सम सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर सही है, नहीं तो फिर गलत है। तीनों बन जाएगा तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर -3 और -7/√3 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 7 मिलेगा, और c/a कितना है? 7√3/√3। हाँ ठीक है, हमेशा प्रोडक्ट से वेरीफाई कर लिया करना। सर आप दोनों में नंबरिंग 3 लिखे हैं,
ठीक है, फोर कर लो। थर्ड फोर्थ का टू बाय थ्री और माइनस वन बाय सेवन, फोर बाय टू बाय थ्री और माइनस वन बाय सेवन, माइनस वन बाय सेवन। देख लो मल्टीप्लाई करके, आ तो रहा है ना उतना, सी बाय ए के बराबर आ जा रहा है ना। हाँ ठीक है, सी बाय ए कितना है, सी बाय ए करेंगे तो यार फोर्टीन बाय, हाँ नहीं नहीं ठीक है, चलो ठीक है, बन गया सबसे तीनों। यस सर। आगे बढ़े, आयुष बन गया। यस सर। ओके, आसान है ये सब, समझ में आया वैष्णवी? यस सर। दिव्यांगी? दिव्यांगी यस सर। अरे जवाब देते चलो, खाना नहीं मिला है आज, मिला है? तबीयत खराब है, क्या हो गया? सर्दी। सर्दी, ओके, दिन सर्दी तक ही रहना, आगे मत बढ़ जाना, बार बार मत निकलना, घर में ही रहना दिन भर, बहुत ज्यादा डेंजरस हो रखा है। चलो टाइप टू पे हम लोग मूव करते हैं। ऑन फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑन फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें दो तरीके का केस मिलेगा तुमको, ठीक है? दो तरीके का केस क्या मिलेगा, तो एक में तुमको दोनों जीरोस दिया रहेगा, एक में क्या होगा, दोनों जीरोस दिया रहेगा, ठीक है? When both zeros are given, और बी दूसरा टाइप क्या रहेगा ना, जीरोस ना दे करके तुमको डायरेक्टली लिख देगा कि इसके इस पॉलिनोमियल के सम एंड प्रोडक्ट इतने हैं। समझ रहे हो दोनों डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Yes, बताओ sir. ठीक है, तो ये भी आसान है। एक में तुमको जीरोस दे देगा तो तुमको क्या करना होगा, वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करना होगा। और एक में तुमको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा रहे, अल्फा प्लस बीटा गिवन रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा पहले से ही क्या रहेगा, गिवन रहेगा। आया समझ में? बताओ। यस सर। ठीक है, तो जैसे देखो, तुमको हम बोल दिए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसका सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम दे दिया है रूट टू एंड प्रोडक्ट दे रखा है माइनस थ्री बाय टू, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फटाफट बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस सॉरी माइनस थ्री बाय टू, माइनस थ्री बाय टू, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस थ्री बाय टू। क्लियर? अब यहाँ से कभी भी डिनोमिनेटर दिखे ना तुमको, तो क्या करना, इसको फर्दर इसको आगे एक्सपेंड कर लेना, तो ये क्या बन जाएगा, टू एलसीएम ले लेना, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स माइनस थ्री। हम याद है फॉर्मूला में के इंटू ऐसा करके लिखे थे, तो यहाँ से के क्या बन सकता है तुम्हारा, वन बाय टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स माइनस थ्री। आया समझ में? यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दे रखा था, तो डायरेक्टली क्या करना, उस फॉर्मूले में पुट करके निकाल देना है। बुझ गए? बताइए। बुझा गया, अगर समझ में आ गया तो फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब एक में तुमको क्या करेगा, जीरोस दिया रहेगा, बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो, लेकिन वैसा बहुत कम ही केस में रहेगा, तो बन जाएगा ना वो सब, बताओ। यस सर। वो सब आएगा तो बना लोगे? ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, बनाते चलो फटाफट।
क्या चाहिए भाई? लिखो क्वेश्चन। नंबर वन या बुकलेट से करवा देते हैं, ठीक है? इसका बुकलेट मिल चुका है ना तुम लोग को? इसका बुकलेट मिला है? यस सर। हाँ, तो बुकलेट मिला है तो कुछ क्वेश्चन उसी से बना लो फटाफट। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है? यहाँ पे जाना, जो यहाँ पे ऑफिशियल चैनल है ना उस पे जाना, तो वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा बुकलेट का, जिसको इसको बुकलेट नहीं मिला है। क्लास 10 पैकेज 1 में ना है। चलो अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा, हो गया? छोड़ दे क्या कि अभी पढ़ लोगे थोड़ी देर और? जैसा बताओ। नींद आ रहा है सही में आयुष? नींद आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। वैष्णवी? नो सर। दिव्यांगी? ये तो यस सर बोलेगी। 50-50 में। चलो मैक्सिमम लोग को नहीं आ रहा है तो फिर 15-20 मिनट और पढ़ो, इतना नींद आ रहा है तुमको? तुम सबसे पूछे ना, सबका ये जाने, राय जाने। हाँ, कुछ क्वेश्चन है इसमें बनाते चलो फटाफट। जैसे कुछ होमवर्क पहले लिख लो, होमवर्क में शॉर्ट आंसर टाइप में ज्यादा कुछ मत बना लेना। देखो हम इसी की बात कर रहे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस दिया हुआ है, समझ रहे हो? क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में डिफरेंस दिख रहा है ना, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस दिख रहा है ना सबको? यस सर। सेकंड में क्या है? जीरोस दिया है और थर्ड में सम एंड प्रोडक्ट दिया है, तो इस केस सेकंड के केस में क्या करना होगा तुमको? पहले सम निकालना होगा और प्रोडक्ट निकालना होगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। लेकिन थर्ड केस में डायरेक्टली फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, ठीक है? चलो अब तुम लोग को बनाना है ये सारा क्वेश्चन, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके लिए तुमको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होना चाहिए, अगर नहीं याद होगा, जैसे यहाँ पे तुमको क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा ना? यस सर। अल्फा प्लस बीटा तुमको पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता चल जाएगा, सम भी पता चल जाएगा और प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे क्या बताएगा? हमें सब चीज पढ़ाए थे और तुम लोग जो कहीं और से ये कर रखे हो लास्ट ईयर, उसको भी पता होना चाहिए कि अगर हमको ए प्लस बी पता है, साथ ही साथ ए इंटू बी भी पता है, तो अगर ए माइनस बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे कोई बताएगा? सर वो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या लगा लेंगे सर? वो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सर, पहले ए प्लस बी का जो है ना होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस फोर ए बी कर देंगे, फिर उसका जो रूट निकलेगा ए माइनस बी होगा। देख लो जी, कोई नहीं बताया, सब नाइन्थ में फाकी मारा है। देखो ए प्लस बी तुमको पता है तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऑल्दो तुमको 2a भी पता है, तो हमको ये चीज पता चल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, बताओ? तो पता ही था। तो वही चीज तो करना है यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में ये दे रखा है तुमको क्वेश्चन, कहीं और चल गए थे, काहे कहीं जा रही है, कहीं नहीं जाना है। ये तुमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अब तुमको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, याद आ रहा है सबको? दिव्यांगी बताओ, ये तो पता ही था। तो फिर बनाओ, हम तो यही तो पूछे कि a प्लस बी पता है, वो a इंटू बी पता है, तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे, मतलब एग्जांपल देंगे तो याद आया। हाँ थोड़े बोल अक्कर
याद आ गया? श्रेया, वैष्णवी, उज्जवल? यस। हाँ तो बनाओ तो फटाफट, चौथा नंबर पूरा अभी, देखते हैं कितना बनता है तुम लोग से। फोर्थ पूरा, a माइनस बी भी निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम लोग के लिए रहेगा। बनाओ आराम से बनाओ, इसके लिए तुमको सारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल याद होना चाहिए, ए प्लस ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोल रहे हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का डेरिवेशन याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, ए क्यू प्लस बी क्यू, बिना उसके काम नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में। बनाओ क्या, अल्फा और बीटा निकाल के सारा वैल्यू डाल दें? हाँ क्यों नहीं चलेगा, बट बोर्ड्स क्या ही कर सकते हैं, है ना, वहां पे दिक्कत कर देता है ना, बट चलो बनाओ फटाफट बनाओ। आंसर आते जा रहा है, मिलाते चलना, बुकलेट है खोल के रखे हो तो अच्छी बात है, नहीं खोल के रखे हो तो फिर निकाल के आओ बुकलेट। पहला का आंसर कौन बताएगा? इसमें अल्फा और बीटा आना चाहिए, 5x² + 4x - 9 है ना, 45 45 है तो 9 और 5। इस लेवल तक तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इसके पीछे तक का ही क्वेश्चन आएगा। अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 नहीं पूछने वाला है, लेकिन तब भी बनाना है यहाँ पे, जो जो बनाते जाएगा उसको हम बोलेंगे लीव करते जाओ, नहीं लीव नहीं करना, कुछ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस ही कर लेंगे। सर 4 का 1 का 14/5 है क्या? 14/5। तुम अगले क्लास में माइक ठीक करके आना अपना। क्या 14/5 है क्या आंसर फर्स्ट का? हाँ। कितने कोस दूर बैठ गई है अपने सिस्टम से? सर वो पता नहीं, वो ब्लूटूथ वाला भी काम नहीं कर रहा था, तो वायर लगाया तो उसमें धीरे हो रहा है। ठीक है, पहला 14/5 आ गया सबका? आया? यस सर। यस सर। सर सेकंड का 106/25। 106/? यस सर 106/25। ठीक है। थर्ड का निकालो। चलो ठीक है, सब बना लेना। देखो कुछ क्वेश्चन फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं, हाँ ना जब मैं जवाब देते चलना, रहने दो अभी ये, लेकिन थर्ड का बना के आना आगे का, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, 5 नंबर बन जाएगा ना। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 2, इस पॉलीनोमियल का एक जीरो 2 दे रखा है, तुमको अदर निकालना है, बन जाएगा।
बताओ yes, कैसे yes, तो एक बार टू पुट करके पी का वैल्यू निकाल लेंगे है ना yes. और पी निकल जाएगा तो yes, फिर दूसरा जीरो निकाल लेना तो क्वेश्चन नंबर फाइव हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. सिक्स में बताओ क्या करना होगा. देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव में तुम दो तरीके से बना सकते हो. कैसे दो तरीके से बना सकते हो. एक तो तुम टू का वैल्यू इसमें पुट करके पी निकाल सकते हो या फिर जो रिलेशन बताए हैं रिलेशन ही यूज करना. रिलेशनशिप जो बताया ना वहां से ही बनाना वो आसान होगा. कैसे आसान होगा तो तुमको एक जीरो टू दे रखा है ठीक है. तो हम अगर दोनों एक जीरो को हम बीटा ले रहे हैं तो टू इंटू बीटा इक्वल्स टू फोर बाय टू होगा कि नहीं होगा बताओ. टू इंटू बीटा इक्वल्स टू फोर बाय टू होगा तो यहां से बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा वन. क्लियर. तो डायरेक्टली हमको पता चल गया कि दूसरा जीरो है वो कितना होगा वन होगा. आया सबको समझ में. yes. ठीक है तो डायरेक्टली बनाना उतना. और फिर यहाँ पे तुमको पी का वैल्यू निकालना है तो पी के लिए तो तुमको फिर पी का ये कोई भी आइदर टू पुट कर लेना इस इक्वेशन में या फिर वन का वैल्यू वन पुट कर लेना इक्वेशन में और पुट करके बना लेना. क्लियर हुआ सबको. उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स कभी भी रेसिप्रोकल का केस दिखाई दे एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हमेशा प्रोडक्ट वाला यूज करना. क्या करना प्रोडक्ट का. तो अगर एक जीरो अल्फा होगा तो दूसरा जीरो क्या होगा वन बाय अल्फा. वन बाय अल्फा वन आएगा. हाँ तो रेसिप्रोकल में एक जीरो को अल्फा ले लेना दूसरा जीरो को वन बाय अल्फा ले लेना. ये किसके बराबर हो जाएगा सिक्स ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस नाइन के बराबर. समझ में आया कुछ. ठीक है तो तुम लोग का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन 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 के बाद टेन फाइव सिक्स सेवन टेन टू थ्री फोर नहीं बनाना ना टू थ्री फोर नहीं वो सब इस नहीं क्वेश्चन नंबर फोर का टू थ्री फोर बनाना है. इधर का वन टू थ्री छोड़ देना ये सब ऐसे ही क्वेश्चन है. पहला दूसरा तीसरा एग्जैक्टली वो छोड़ देना. क्वेश्चन नंबर फोर का थ्री फोर फाइव कर लेना. फोर पूरा बना लेना फाइव सिक्स सेवन एट और टेन और भी दे दे ले ही लो. कल ही है क्लास. कितने बजे से कल पता नहीं सर आप ही बताइएगा. हाँ नहीं टाइम टेबल थोड़ा चेंज होके फिर से जाएगा देख लेना एक बार. तो अभी इतना ही करके आओ चलो. क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन के बाद एट भी बना ही लेना नाइन भी बना ही लेना और टेन भी बना लेना. फोर से लेकर के टेन पूरा कंप्लीट बना के कल आ जाना. आगे का फिर डिस्कशन हम कल करेंगे. कल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और थोड़ा सा इसमें डिवीजन एल्गोरिदम फिर से आता है. वो याद है ना पॉलिनोमियल का डिवीजन याद है सबको. ऑनेस्टली बताओ जैसे प्रॉब्लम होता है तो yes. उपाय थोड़े है वैसा चीज पढ़ना है बताना पड़ेगा आपको फिर से. बे मेहनत नहीं करवाओ पढ़ के आओ खुद से. नहीं सर आपको बताना पड़ेगा. अरे गजब हालत है. कितने कितने को नहीं आता है बताओ. तो नहीं आने वाले देखो सब कोई बोल रहा है आता है लेकिन प्रॉब्लम होता है थोड़ा क्वेश्चन मिल जाता तो अच्छा लगता. अच्छा तो उस पे बेस्ट क्वेश्चन है ये सब देखो कहाँ गया ये सब. चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ इतना बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल. मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करना है. डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम. तो ये सब आसान सा चीज है ना. जिसको ये डिवीजन आता होगा अच्छे से उसके लिए तो बच्चा वाला चीज हो जाएगा है कि नहीं दिव्यांगी. सर आता तो है लेकिन बहुत टाइम लगता है. बहुत टाइम लगता है. हाँ भाई बहुत टाइम लगता है. तो टाइम देना ही पड़ेगा कोई उपाय थोड़े है इसमें. चलो कुछ पूछना है आज का लेक्चर का तो पूछो. तो होमवर्क का क्या बोले एक बार बना के आने और क्या बोलेंगे. फोर से लेकर के टेन तक फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बस ना. बस ना. हाँ बस ही है चलो बस ही कर दे रहे उतने पे ठीक है. इतना करके आना फिर फर्दर अगले क्लास में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि तुम्हारे बोर्ड का पार्ट नहीं है बट उसको हम सिखा देंगे.
क्यूबिक पॉलिनोमियल से आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट हो सके पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में तुमको वो ऑप्शनल एक्सरसाइज में दे रखा है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सीख लेंगे कल, पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखने के बाद फिर डिवीजन एल्गोरिदम, एक क्लास और लगेगा, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। हाँ तो ये जो हम इतना बोले कि कल क्या क्या पढ़ाएंगे, तो मतलब पता है ना? यस सर। क्या मतलब होता है बताओ? यस सर। क्या मतलब होता है, क्या करके आना है? क्यूबिक वाला पढ़ाई है सर, क्यूबिक वाला पढ़ के आना है। होशियार है तुम, यहाँ बाकी बच्चा लोग तो गधा है, उन लोग को बताते थे पढ़ के नहीं आता था। तो अगर हम बता रहे हैं कल क्या क्या पढ़ाएंगे, पहले ही बना लिए थे। अच्छा बढ़िया है फिर तो, चलो ठीक है, फिर जाओ चिल मारो सबको, मिलते हैं कल। सर हम भी बोले थे। तुम भी बोली थी सर, नया बच्चों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे। हाँ, वो लोग वो लोग एक बार में मेरा बात सुन ले रहा है, तुम लोग हो गई है बदमाश। ठीक है जूई, अब लोग अब से हम लोग जवाब भी नहीं देंगे एकदम। हाँ हाँ हाँ, तो पूरा ऐसा नाटक चल रहा है। अच्छा हाँ। बाकी लोग जवाब देंगे ना? आयुष जवाब देगा है ना? आयुष यस आयुष जवाब देगा, दिव्यांगी देगी क्या? दिव्यांगी